हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिट नोट के बारे में, यानी कि डेबिट नोट कौन इशू कर सकता है, किस कंडीशन में इशू होते हैं, क्या डिफरेंस होता है टैक्सेबल डेबिट नोट में और टैक्स फ्री के डेबिट नोट में। और हमने पिछले वीडियो में हम बात करी थी जीएसटी के टैक्स फ्री क्रेडिट नोट और टैक्सेबल क्रेडिट नोट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो रेट डिफरेंस क्रेडिट नोट का वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेबिट नोट का, डेबिट नोट के कितने टाइप होते हैं और कौन इसको इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्रेडिट नोट की एंट्री करी थी, उसकी सारी ट्रांजेक्शन हम एक बार देख लेते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले डिस्प्ले पर जाऊंगा और उसके बाद में डेबुक पे और F2 से मैं मेरा चेंज पीरियड हटा देता हूं। और उसके बाद में ये जो ट्रांजैक्शन हमने पिछली वीडियो में करी थी क्रेडिट नोट वाले वीडियो में, तो ये वो इनवॉइस है जिसका इनवॉइस हमारे सामने ये रहा। विजय ट्रेडिंग कंपनी से हमने ये गुड्स परचेज किए थे और विजय ट्रेडिंग कंपनी ने हमें क्रेडिट नोट इशू किए थे टैक्सेबल, और उसी टैक्सेबल क्रेडिट नोट की एंट्री हमने हमारे टैली में भी कर रखी है ऑलरेडी। अब ये जो टैक्सेबल क्रेडिट नोट था जो हमें मिला था पार्टी की तरफ से, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, और उसकी एंट्री ये थी। अब ये क्रेडिट नोट किस कंडीशन में इशू किया गया था एक बार हम इसको देख लेते हैं। भी रेड डिफरेंस ऑन क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 रुपये पर कार्टून, यानी कि हमने इस पार्टी से, इसी कंपनी से ये क्लिनिक प्लस शैम्पू के 5 कार्टून हमने परचेज किए थे और विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से क्लरिकल मिस्टेक या किसी भी वजह से, यानी कि 100 रुपये पर कार्टून के एक्सेस ज़्यादा चार्ज कर लिए गए थे कंपनी ने, यानी हमें 500 रुपये का ज़्यादा भुगतान करना पड़ा था इस इनवॉइस के अगेंस्ट में। तो उसका जो रेट डिफरेंस था 500 रुपये का, यानी कि 100 रुपये पर कार्टून का, उसके अगेंस्ट में हमने एक विजय ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा ये क्रेडिट नोट इशू किया गया था। ये तो था हमारा टैक्सेबल क्रेडिट नोट। और एक हमारे पास ये था टैक्स फ्री का क्रेडिट नोट, यानी कि 40 रुपये, और इसके ऊपर जो हमारा स्कीम थी बी टारगेट ऑन निखार हेयर ऑयल 450 ml 20 रुपये पर बॉक्स, हमने इस पार्टी से जो बॉक्स किए थे 20 रुपये पर बॉक्स का हमने इसका टारगेट, यानी कि जो भी इसका एक स्कीम थी वो हमने पूरी करी थी, उसके अगेंस्ट में 40 रुपये का ये क्रेडिट नोट मिला था। इस पर किसी भी टाइप का कोई GST का ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब ये टैक्स फ्री का क्रेडिट नोट है और इसकी एंट्री हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। ये भी हमारा 40 रुपये का एक जर्नल वाउचर में हमने एंट्री कर दी थी। हम इसे क्रेडिट नोट में भी कर सकते थे, डेबिट नोट में भी कर सकते थे, और इसकी जर्नल वाउचर भी मैंने एंट्री कर दी क्योंकि इसके GST पे कोई किसी भी टाइप का इफेक्ट आने वाला नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिट नोट की। इसी पार्टी ने हमें एक डेबिट नोट इशू किया है, एक डेबिट नोट टैक्सेबल का है और एक ये डेबिट नोट है जो टैक्स फ्री का है। क्या डिफरेंस है दोनों में, किस कंडीशन में ये डेबिट नोट इशू किए गए हैं, हम एक बार इसे देख लेते हैं। और इस डेबिट नोट इशू करने का जो कारण है वो यही था भी, जैसे क्रेडिट नोट था, क्रेडिट नोट में तो ये था भी कंपनी ने हमारे से 100 रुपये पर बॉक्स के ज़्यादा ले लिए थे। तो डेबिट नोट उस कंडीशन में इशू किया जाता है, जैसे सपोज करो भी क्रेडिट नोट में तो 100 रुपये पर कार्टून के ज़्यादा चार्ज किए थे विजय ट्रेडिंग कंपनी ने, तो उसका हमें क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट नोट उस कंडीशन में इशू किया जाता है, अब मान लीजिए कंपनी ने उस इनवॉइस में रेट है जो पर कार्टून का कम लगा दिया हो। अब जैसे इसी इनवॉइस में यहाँ पर आया हुआ है भी क्लिनिक प्लस शैम्पू 40 रुपये पर कार्टून लो रेट इन सेल्स इनवॉइस, यानी कि जब वो विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से जो ये सेल इनवॉइस जो बनाया गया था इसमें 40 रुपये पर कार्टून के हिसाब से क्लरिकल मिस्टेक होने के कारण ये, यानी कि ये 40 रुपये इस इनवॉइस में हमें कम लग के आए हैं पर कार्टून के हिसाब से। अगर 40 रुपये पर कार्टून है और 5 कार्टून इसकी क्वांटिटी है तो इसका मतलब 200 रुपये कंपनी ने हमारे इस इनवॉइस में कम लिए हैं। तो इसका मतलब कंपनी की ये जो सेल है 200 रुपये से कम हुई है, और हमारी तरफ से इसके परचेज की बात करें तो हमारी 200 रुपये से परचेज कम हुई है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो टैक्सेबल डेबिट नोट के थ्रू होएगा।
अब इसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, ओरिजिनल इसकी इनवॉइस डेट क्या है, एचएस ने इसका कोड क्या है, यूनिट क्या थी, कौन सा इसका रेट है 28% वाला, टैक्सेबल वैल्यू इसकी कितनी बनेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना बनेगा। यानी कि कंपनी ने 200 रुपये का डेबिट नोट हमें दिया, कंपनी ने 200 रुपये हमारे डेबिट किए हैं, तो इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करेंगे हमारी बुक्स में, और इसकी एंट्री करने के बाद हमारे टैक्सेशन यानी कि जीएसटी रिटर्न पर इसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वाउचर्स की एंट्री करने से पहले हम एक बार हमारी सेल, परचेज और जीएसटी की रिटर्न एक बार देख लेते हैं, और वाउचर्स, डेबिट नोट की वाउचर्स की एंट्री करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम देखेंगे। तो हमें सेल परचेज करने के लिए मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आऊँगा और एल्ट एफ वन के साथ इसको डिटेल के साथ ओपन करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी परचेज जो आ रही है वो 31,909.38 रुपये की परचेज है। अब परचेज में जो 390.62 रुपये का हमें यहाँ पे माइनस में शो हो रहा है। अब माइनस में शो होने का कारण क्या है, वो वही जो क्रेडिट नोट था, जो रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट हमें आया था, ये वो क्रेडिट नोट है 500 रुपये वाला जो कंपनी के द्वारा इशू किया गया था, ये वाला। एक्चुअल में क्या है, इस क्रेडिट नोट के थ्रू हमारी जो परचेज है जो ज़्यादा होगी थी, एक्चुअल में कम होनी चाहिए थी, तो हमें इसकी एंट्री यहाँ पे करने के बाद में हमारी जो 390 रुपये की जो टैक्सेबल वैल्यू है उससे उतने रुपए की परचेज कम हो जाएगी। और यही पोजीशन हमारी सेल की भी है, और सेल हमारी 964.85 रुपये की है, जबकि एक्चुअल में जो हमारी सेल है वो 996.10 रुपये की है, इसमें 31.25 रुपये माइनस हुए हैं। अब ये भी वही माइनस है जो हमने हमारे कस्टमर से ज़्यादा ले लिए थे। एक बार वाउचर में दिखा देता हूँ, हमने हमारे कस्टमर को ये क्रेडिट नोट इशू किया था मुकेश कुमार को, यानी कि 40 रुपये हमने भी मुकेश कुमार से ज़्यादा ले लिए थे, जबकि 40 रुपये उसे कम लेने थे, तो हमने इस क्रेडिट नोट के थ्रू उसके 40 रुपये जमा कर लिए और हमारी जो सेल थी कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 28% की उसे कम कर लिया। अगर वो हम 40 रुपये इनवॉइस में कम करते तो भी हमारी सेल है जो कम ही होनी थी। और एक बार हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं जीएसटी रिटर्नों पे, डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर जाएंगे और जीएसटी पे। सबसे पहले हम जीएसटी R1 को देख लेते हैं, F2 करके मैं जुलाई यहाँ पे कर देता हूँ, और प्रेजेंट टाइम हमें केवल 2 ही वाउचर यहाँ पर शो हो रहे हैं। और कौन कौन से वाउचर है इस पर हम इंटरप्रेस करते हैं, तो एक जो हमारा सेल का वाउचर था और एक जो क्रेडिट नोट है वो वाउचर यहाँ पर शो हो रहा है। अब एक्चुअल में जो सेल थी हमारी जो एज पर सेल इनवॉइस के अनुसार वो 996.10 रुपये की है, और इसमें जो 31.25 रुपये वो हमने क्रेडिट नोट के थ्रू लेस कर लिए हैं। अब जो हमारी जो नेट सेल है वो 964.85 रुपये ही रहेगी, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इशू हो रही थी। अगर हम बात करें जीएसटी R2 की, तो 2 का भी मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ। अब इसमें भी हमें 2 टाइप के वाउचर यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब एक वो वाउचर है जो हमारे परचेज का वाउचर था, इस पे इंटरप्रेस करते हैं, तो जो विजय ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से हमें परचेज वाउचर जो मिला था उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी, क्योंकि उसका हमें ITC क्लेम लेना है। और एक यहाँ पर 390.62 रुपये का जो परचेज है जो हमारी माइनस में हो रही है, ये वही माइनस में हो रही है जो कंपनी द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया गया था, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल में परचेज वो ज़्यादा आ गई थी, एक्चुअल में कम होनी थी, तो यहाँ पर जो परचेज का जो इफेक्ट रहने वाला है वो 31,909.38 रुपये आएगा। अगर हम एक्चुअल परचेज की बात करें तो वो 32,300 रुपये की हमारी परचेज थी एज पर परचेज इनवॉइस के अनुसार। तो अब अगर हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे, चाहे हमें कंपनी के द्वारा, हमें सप्लायर्स के द्वारा हमें मिला है, चाहे हमने हमारी कंपनी के द्वारा किसी कस्टमर को इशू किया है, तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमें हमारे सप्लायर्स के द्वारा कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अगर हमें मिलता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है GSTR2 पे। अगर हमारे द्वारा अगर किसी कस्टमर को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया जाता है तो उसका इफेक्ट आएगा GSTR1 पे। अब क्या इफेक्ट आएगा वो हम एंट्री करने के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे इस टैक्सेबल डेबिट नोट पे। अब ये जो टैक्सेबल जो डेबिट नोट था इसमें 200 रुपये का हमें ऑपरेशन हमें करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे इस डेबिट नोट वाउचर की एंट्री। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग वाउचर पर आना होगा, गेटवे ऑफ टेली यानी कि टेली के होम पेज पे अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे, और अब हमें डेबिट नोट मिला है
ये हमें डेबिट नोट इश्यू हुआ है कंपनी के द्वारा, विजय ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा। अब हमारी तरफ से जो वाउचर बनेगा वो क्रेडिट नोट बनेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल के साथ हम F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमें क्रेडिट नोट का आ जाएगा। और इस क्रेडिट नोट की एंट्री करने के बाद हम इसे एज ए वाउचर ले लेंगे, यहाँ से हमें जो ऑप्शन हो रहा है एज ए वाउचर, इस पर करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमें वाउचर नंबर जो पूछ रहा है वो डेबिट नोट का नंबर हम डालेंगे जो हमें इश्यू हुआ है, डेबिट नोट का नंबर है वो DN05। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे DN05 और इसकी जो डेट है वो 25 जुलाई है। और यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं VTC, यानी कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हमें ये इश्यू हुआ है, और इसकी जो डेट थी वो 20 जुलाई है। अब क्रेडिट हम किसको करेंगे, विजय ट्रेडिंग कंपनी को, कितने रुपये से, 200 रुपये से। तो सबसे पहले एक बार हम इस डेबिट नोट की जर्नल एंट्री को हम समझ लेते हैं, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने बालाजी ट्रेडर्स को 200 रुपये से डेबिट किया है। तो अब बालाजी ट्रेडर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी को 200 रुपये से क्रेडिट करेगी। तो जो एंट्री हम यहाँ पे क्रेडिट हम 200 रुपये से हमने कर दिया है, लेकिन अब हमें डेबिट किसको करना होगा। अब हमारा ये रेट डिफरेंस है, यानी कि हम यहाँ पर एक लेज़र हमने एक बना रखा है रेट डिफरेंस का, कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% रेट डिफरेंस का। ये अंडर में परचेज काउंट रहना चाहिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, अंडर में ये परचेज काउंट है, क्योंकि इस डेबिट नोट से हमारी परचेज, ये हमारी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है, जबकि हमारी परचेज ये हो रही है। अगर ये इनवॉइस हमें 200 रुपये अगर इनवॉइस में कम हो जाता तो हमारी परचेज ऑलरेडी होनी थी। तो अब इसे हम इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे 200 रुपये पूरे अमाउंट से डेबिट इसको नहीं करेंगे, जबकि इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे, यानी कि 156 रुपये और 24 पैसे से। तो 156 रुपये 24 पैसे से डेबिट करेंगे, और उसके बाद हमें इसका इनपुट भी क्लेम लेना है। तो इनपुट हम CGST पे क्लिक करेंगे, वो रहेगा 21 रुपये और 88 पैसे का। और इसी तरीके से हमारा इनपुट SGST रहेगा 21 रुपये 88 पैसे से, और हम यस करेंगे। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ रीजन में अदर करेंगे। अब यहाँ पर जो सप्लायर्स जो क्रेडिट और डेबिट नोट हमें ऑप्शन पूछ रहे हैं, इसके अंदर भी हम DN05 ही डालेंगे, और डेट इसकी 25 जुलाई। और इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को हम, अगर हम इसका कोई नरेशन अगर लिखना चाहें भी ये किस वजह से हमें डेबिट नोट इशू है, तो वो भी हम लिख सकते हैं भी हमें 40 रुपये पर कार्टून का जो हमारा रेट था क्लिनिक प्लस शैम्पू का, वो कम लग के आया हुआ था एज पर इनवॉइस। वो इंटरप्रेस करते हुए से हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस वाउचर्स की एंट्री करने के बाद हम एक बार हमारी वापस परचेज एंड सेल देख लेते हैं दोबारा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, Alt+F1 के साथ इसे डिटेल के साथ ओपन करेंगे। तो अब हमारी जो परचेज है वो यहाँ से चेंज होकर 32,665 रुपये और 62 पैसे हो चुकी है। अब अभी जो इसका जो इफेक्ट था कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% रेट डिफरेंस वाला, इस पर जब हम इंटरप्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो क्रेडिट नोट हमने एंट्री करी थी 390 रुपये 62 पैसे की, अब हमने इसका डेबिट नोट जो एंट्री करी थी 156 रुपये की, तो इसका जो नेट इफेक्ट है अब वो 234 रुपये और 38 पैसे का ही रह जाएगा। यानी कि 390 रुपये हमें जो परचेज थी हमारी वो ज़्यादा लगी हुई थी, और अब 156 रुपये 24 पैसे हमने इस अमाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि परचेज हमारी इंक्रीज़ कर ली, हमारी परचेज जो एक्सेस होएगी 156 रुपये 24 पैसे से। क्यों होएगी, क्योंकि कंपनी ने 40 रुपये पर कार्टून के हिसाब से हमारे पैसे वो कम लिए थे, इनवॉइस में कम ऐड हुए थे। तो अब हमने इसको डेबिट नोट के एडजस्ट के थ्रू इन्होंने कंपनी ने पूरा कर लिया, क्योंकि कंपनियों में अगर एक बार इनवॉइस जनरेट होने के बाद में इनवॉइस में किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, उसके बाद में जो भी इसमें जो रेट का डिफरेंस वगैरह है, जो कोई वो एक्सेस है, चाहे वो शॉर्टेज है, कम लिया है, उसका सारा जो ऑपरेशन है वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के थ्रू ही होता है। तो इस तरीके से अब हमारी जो परचेज है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी 32,065 रुपये 62 पैसे से। अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो GSTR 2 पे आएगा, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर जाएंगे, GST पे और GSTR 2 पर अब हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो क्रेडिट नोट डेबिट, अब हमें दो वाउचर यहाँ पर शो होने लग गए हैं। पहले हमें एक वाउचर परचेज का था और एक ही डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का आता था। अब इसी पे हम इंटरप्रेस हम करेंगे वाउचर पर आके, तो सेम वही दोनों वाउचर हमें यहाँ पर शो होंगे।
अब 156.24 रुपये से तो हमारी जो परचेज है वो प्लस होएगी और 390.62 रुपये से हमारी परचेज है जो कम होएगी। अब एक्चुअल में प्लस माइनस अगर करें तो 234.38 रुपये से अभी भी हमारी परचेज है जो कम रहने वाली है। तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा GSTR 2 पे आया है। तो सेम इसी तरीके से एक हमें टैक्स फ्री का डेबिट नोट भी हमें मिला हुआ है। तो ये टैक्स फ्री का डेबिट नोट है। इस टैक्स फ्री डेबिट नोट का मतलब हो गया भी कंपनी ने यहाँ पे किसी भी टाइप की GST का कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई HSN कोड नहीं लिखा हुआ, कोई ओरिजिनल इनवॉइस नंबर नहीं लिखा हुआ जैसे इस वाउचर में लिखा हुआ है, टैक्सेबल CGST SGST लगा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि इसका जो अगर नरेशन की अगर बात करें भी इंटरेस्ट जुलाई मंथ, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे से जुलाई मंथ का 50 रुपये का ब्याज हमारे से चार्ज किया है। तो इसकी एंट्री हम चाहे तो हमारे टेली के अंदर जनरल वाउचर में भी हम कर सकते हैं और चाहे तो हम इसे क्रेडिट नोट में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाउचर से GST की रिटर्न पे किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। अगर हम क्रेडिट नोट में एंट्री करें तो इसका वाउचर नंबर DN06 रहेगा डेबिट नोट नंबर, और हम इसे क्रेडिट करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी को 50 रुपये से। और अब हमारे पास एक लेजर हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पेड, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। GST इस पर एप्लीकेबल नहीं है तो इसे हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इंटरप्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो सीधी जर्नल एंट्रीज की बन जाएगी, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट है और इंटरेस्ट है जो डेबिट है। तो इसका निरसन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं भी जुलाई मंथ इंटरेस्ट, और इंटरप्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये तो था अगर हमें सप्लायर्स के द्वारा अगर डेबिट नोट मिलते हैं तो। अब सेम पोजीशन हमारे साथ भी यही हो सकती है, जैसे हमने हमारे कस्टमर को सेल किया हुआ है एक इनवॉइस हमने सेल किया था मुकेश कुमार को। अब सपोज देन भी इसी सेल्स इनवॉइस ने हमने भी मुकेश कुमार से जो पैसे है वो कम चार्ज किए हैं, यानी कि 15 रुपये अगर हम ये मान के चलें भी 15 रुपये पर पीसेस के हिसाब से हमने मुकेश कुमार से भी कम चार्ज किए हैं, तो हम इनवॉइस में तो हम चेंजिंग कर नहीं सकते क्योंकि इनवॉइस है जो इसका ऑलरेडी हम जनरेट कर चुके हैं। तो इसका भी ऑपरेशन अगर हमें करना पड़े तो हमें भी इसको डेबिट नोट के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो उसका जो डेबिट नोट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का रहने वाला है। यानी कि अब बालाजी ट्रेडर्स ने मुकेश कुमार को डेबिट नोट इशू किया है कितने रुपए से, 75 रुपये से, यानी कि 15 रुपये पर पीस के इनवॉइस में कम चार्ज हो गए थे जब हमने कस्टमर को ये सेल किया था। अब इसकी डेबिट नोट की एंट्री हम कैसे करेंगे, यानी कि हमारी बुक्स में किस तरीके से होगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे। अब हमें डेबिट नोट इशू करना है तो हम डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डेबिट नोट पे आ जाएगा, और इसी डेबिट नोट को हम एज ए वाउचर मोड पर हम ले लेंगे। तो हम डेबिट नोट हमारा फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं तो हमारा भी डेबिट नोट हो जाएगा 1 का। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 नंबर इनवॉइस के थ्रू हमने इसको सामान सेल किया था, अब डेबिट हम करेंगे मुकेश कुमार को कितने रुपए से, इसकी नेट अमाउंट यानी कि 75 रुपये से। हम इसे एक बार ऑन काउंट ही रहने देते हैं, और उसके बाद में इसका जो क्रेडिट जो लेज़र रहेगा वो रहेगा रेट डिफरेंस का। अब रेट डिफरेंस का एक हमें लेज़र नया क्रिएट करना होता है अंडर में सेल्स काउंटर रखते हुए। आप लेजर का नाम कुछ भी रख सकते हो, रेट डिफरेंस मैंने इसका नाम लिखा हुआ है भी रेट डिफरेंस ऑन कॉस्मेटिक गुड्स GST 28%। तो आप इसमें रेट डिफरेंस भी रख सकते हो या सीधा आप कोई गुड्स GST 28% रेट डिफरेंस भी रख सकते हो, किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अंडर में ये सेल्स काउंट ही रहेगा। और अब इसे पूरा 75 रुपये से हम इसको क्रेडिट नहीं करेंगे जबकि इसकी टैक्सेबल अमाउंट से हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो टैक्सेबल क्रेडिट अमाउंट इसकी 58 रुपये और 59 पैसे से, और उसके बाद आउटपुट CGST रहेगा वो रहेगा 8 रुपये और 20 पैसे से, और इसी तरीके से आउटपुट हमारा SGT रहेगा 8 रुपये 20 पैसे से, और 1 पैसा जो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब हमने इसको टैक्सेबल अमाउंट से क्रेडिट क्यों किया है, 75 रुपये से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारी सेल्स का पार्ट है। अगर हम इसी इनवॉइस में 15 रुपये पर पीस के अगर ज़्यादा कर देते तो हमारी जो सेल है वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाती, अब इंक्रीज होएगी तो हमारा आउटपुट का जो CGST और SGST है वो भी
एक्सेस हो जाता है, यानी कि उसकी अमाउंट है जो बढ़ जाती है। अब इसी के लिए हमें अगर रेट डिफरेंस का तो कोई टैक्सेबल हमने सामान सेल या परचेज किया तो उसके अगेंस्ट में हमें इनपुट आउटपुट का भी एडजस्टमेंट करना होता है। इसको हम यस करेंगे और इसे हम अदर्स रखते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इस डेबिट नोट का क्या इफेक्ट आया है हमारे जीएसटी R1 पे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उससे पहले एक बार हमारी टोटल जो सेल है वो देख लेते हैं। जो सेल है हमारी ये रहेगी। अब यानी कि जो पहले हमारे पास जो रेट डिफरेंस आ रहा था वो कुछ घट के आ रहा था, अब ये 27 रुपये से हमारी जो सेल है वो इंक्रीज होगी। अब इसमें जो पहला आपको दिखा देता हूँ जूम करके, अब इसमें अब 31 रुपये 25 पैसे का जो अमाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे सेल्स में, वो यही अमाउंट है जो पिछली वीडियो में हमने मुकेश कुमार को क्रेडिट करके और रेट डिफरेंस को डेबिट किया था, क्योंकि उस इनवॉइस में हमने कस्टमर से पैसा जो 40 रुपये ज़्यादा ले लिया था, जबकि हमारी 40 रुपये से सेल हमारी कम होनी चाहिए थी। तो अगर हम 40 पैसे का अगर 28% के हिसाब से डिवाइडेशन करेंगे तो 31 रुपये 25 पैसे टैक्सेबल अमाउंट बनेंगी, 4 रुपये 38 पैसे 4 रुपये 38 पैसे CGST और SGST टैक्स हमारा रहेगा। अब इस वाउचर की हम बात करें तो अब हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि अब हमने इनवॉइस में कस्टमर से जो पैसा है वो कम चार्ज किया हुआ था, जबकि हमारी सेल है जो बढ़नी चाहिए थी। तो अब इसे माने सेल का पार्ट हम मान लेंगे इसको। तो अब हमारी जो सेल है वो भी इंक्रीज होकर 1023 रुपये और 44 पैसे रह जाएगी। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा GST R1 पे वो भी हम देख लेते हैं। डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, उसके बाद में GST पे और GST R1 पे इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो पहले हमें 2 वाउचर्स यहाँ पर शो हो रहे थे, अब हमें 3 वाउचर शो हो रहे हैं। इस पर इंटरप्रेस करेंगे तो 3 वाउचर वही आएंगे। एक वाउचर तो था हमारा सेल्स का, जो एक नंबर इनवॉइस हमने सेल किया था, और एक आ गया क्रेडिट नोट का। अब क्रेडिट नोट किस कंडीशन में इशू किया था, क्योंकि कस्टमर से हमने पैसा ज़्यादा ले लिया था, और डेबिट नोट इस कंडीशन में इशू किया था भी हमने गलती से उस इनवॉइस में पैसा जो कम लगा दिया, तो उस कंडीशन में हम पार्टी को यानी कि हमारे कस्टमर को हम डेबिट नोट इशू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे द्वारा जो इशू किए जाते हैं डॉक्यूमेंट उसका इफेक्ट GST R1 पे, और जो हमें सप्लायर्स के द्वारा जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमें मिलते हैं उसका इफेक्ट है जो सीधा GST R2 पे जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट टैक्सेबल और टैक्स फ्री में क्या डिफरेंस होता है। और एक डेबिट नोट होता है हमारा परचेज रिटर्न का, यानी कि जब हम हमारी कंपनी को सम गुड्स जो परचेज किया होता है अगर वो हम वापस करते हैं तो वो डेबिट नोट में जाते हैं। उसकी एंट्री किस तरीके से होती है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और उसको हम डेबिट नोट में हम करेंगे अगर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो, और उसको हम एज ए इनवॉइस हम लेंगे इनवॉइस मोड में। अब डेबिट नोट भी हम सेकेंड इशू कर रहे हैं इसके अंदर, तो डेबिट नोट हमारा रहेगा सेकेंड। और किस डेट में इशू कर रहे हैं, मान लीजिए हम 26 जुलाई में कर रहे हैं तो 26 जुलाई के हम डेट डालेंगे। यहाँ पर भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वही आएगा, यानी कि जो आप डेबिट नोट इशू हम कर रहे हैं वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हमने उस गुड्स को परचेज किया था, VTC 241 के अगेंस्ट, और उसकी जो डेट थी वो 20 जुलाई की। अब पार्टी को हम विजय ट्रेडिंग कंपनी को ही डेबिट करेंगे। अब मान लीजिए इसमें से हमने क्लिनिक प्लस शैम्पू का जो पीस है वो हमने इसको वापस हम कर रहे हैं, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू। अब मान लीजिए हमने इसमें इसको 10 पीस हमने इसको वापस हम कर रहे हैं, तो अब एक पीस का जो रेट था वो किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 35,200 रुपये का जो अमाउंट है वो 5 कार्टून का आ रहा है, तो सबसे पहले जब चाहे 5 कार्टून का आप ले लो चाहे 125 का, हम इसे डिवाइडेशन कर लेंगे 35,200 / 125, यानी कि 281 रुपये और 60 पैसे ये पर पीस का रेट आ गया नेट का, यानी कि इसमें 28% की GST है वो इंक्लूड है। तो अब इसको टैक्सेबल अमाउंट अगर इसका बनाए तो 281 / 128, यानी कि 220 रुपये पर पीस का टैक्सेबल रेट है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक ही आ गया था, क्योंकि जिस रेट से हम परचेज करते हैं उसी रेट से हम गुड्स कंपनी को वापसी रिटर्न करते हैं। अगर हम इसमें 200 इंक्रीज करते हैं 221 रुपये करते हैं तो वो हमारी परचेज रिटर्न नहीं मानी जाती बल्कि वो हमारी सेल हो जाती है। फिर वो अब इंटरप्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे से यहाँ से लेजर पूछेगा कि आप कौन से परचेज रिटर्न के लेजर में इसे एंट्री आप करना चाहोगे, तो मैं इस पर इंटरप्रेस करूँगा। और अब हमारा जो CGST परचेज वक्त हमने इनपुट CGST लगाया था, अब इनपुट CGST और SGST हम वापस इसको क्रेडिट करेंगे।
एंटर प्रेस करते हुए हम इसे अदर्स में रखेंगे। अब यहाँ पर परचेज रिटर्न हमने तो कर दी, लेकिन उस कंडीशन में जो पार्टी की तरफ से जो क्रेडिट नोट हमें मिलेगा उसका नंबर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसे एंटर प्रेस करते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करके सेव करूँगा। अब इसका जो इफेक्ट जो GSTR किस पे आएगा वो हम देख लेते हैं। वन पे जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट पर। अब यहाँ पर देखो, अब इस कंडीशन में हमारे पास GSTR 1 में सेम वही डॉक्यूमेंट इश्यू आ रहे हैं। अगर हम बात करें GSTR 2 की, तो अब GSTR 2 में अब यहाँ पर वाउचर जो 3 हो चुके हैं, अब देख सकते हो इसमें एक तो डेबिट नोट वाउचर था और बाकी के जो क्रेडिट नोट वाउचर हमारे पास आ रहे हैं, जो वही मैंने अभी सेल करी थी। अब एक्चुअल में ये डेबिट नोट नहीं होता, कंपनी की तरफ से हमें जो मिलेगा वो क्रेडिट नोट ही इश्यू होता है। डेबिट नोट हम एक बार इशू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट वैलिड माना जाएगा वो पार्टी की तरफ से जो क्रेडिट नोट इशू होएगा उसका जो सीरियल नंबर, उसका जो वाउचर नंबर, उसका जो क्रेडिट नोट नंबर आएगा वही हमें यहाँ पर डालना होता है। क्योंकि इसीलिए तो यहाँ पर इस जगह हमें पार्टी के द्वारा जो क्रेडिट नोट नंबर जो मिलेगा वो हम यहाँ पर डालेंगे, तब इसका इनवॉइस नंबर और वाउचर नंबर है जो भी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। और इसे वापस स्केप करते हुए हमारी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना।